नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया और उन बेहतरीन प्रदर्शनों में मैंने आपको बताया था प्रतापगढ़ लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। जीतने के कारण भी मैंने आपको बताए थे। समाजवादी पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव जीती प्रतापगढ़ से। याद रखिएगा, एसपी सिंह पटेल हैं, यह आरके वर्मा तीसरी बार के विधायक हैं। आरके वर्मा, एसपी सिंह पटेल पहली बार सांसद बने हैं और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी बड़े पदों पर आर के वर्मा को भेजने वाली है और अभी भी भेज रही है। आने वाले समय में प्रतापगढ़ के लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी इनको भी प्रत्याशी बनाएगी 2029 में। अब खबर क्या है, यहाँ पर पहुँचते हैं श्यामलाल पाल, टोपी लगाए हैं समाजवादी पार्टी की दूसरी वाली टोपी जिससे आपको पहचान में कब आ रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी ने प्रतापगढ़ में अपने जनाधार को और बढ़ाने के लिए एक सम्मेलन किया। सम्मेलन था श्राद्धांजलि समारोह कार्यकर्ता सम्मेलन पीडीए जन पंचायत। इसमें तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भाग लिया और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ही नहीं, समाजवादी पार्टी को प्रभावित करने वाले से प्रभावित होने वाले लोग भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, जिनकी संख्या हजारों में रही। हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहे और समाजवादी पार्टी को मजबूती देने के लिए यहाँ पर हजारों हजार की लोग संख्या में लोग जुटे और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर समाजवादी पार्टी में सदस्यता भी ग्रहण की। एक तरफ बीजेपी की सदस्यता चल रही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की सदस्यता चल रही है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी प्रतापगढ़ में बड़ी मजबूत स्थिति में है। लोकसभा के अंदर, प्रतापगढ़ लोकसभा के अंदर 5 सीटें आती हैं दोस्तों। पहली हमारी सदर वाली सीट, जो समाजवादी पार्टी के लिए बेहद ही कमजोर सीट मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि शहर से सीट है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी को 2024 में 10,000 वोटों से ज़्यादा, बीजेपी के प्रत्याशी से 10,000 वोटों से ज़्यादा सीट जीत मिली। 5 लोकसभा में 4 सपा जीती थी, 1 पर भाजपा जीती थी, वो भी कम अंतर से। पट्टी की सीट पर समाजवादी पार्टी को 40,000 से ज़्यादा वोट मिले बीजेपी से, तुलना करेंगे तब। रानीगंज में भी समाजवादी पार्टी को 10-15,000 वोट ज़्यादा मिले। रामपुर खास में भी समाजवादी पार्टी को 15-20,000 वोट ज़्यादा मिले। तो केवल विश्वनाथगंज की सीट पर समाजवादी पार्टी को वोट कम मिले थे। तो यानी कि 2022 में जब चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी के 2 विधायक चुने गए थे। कौन कौन? आरके वर्मा और राम सिंह पटेल। और वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ से विश्वनाथगंज के लिए गलती की गई थी। गलती का मतलब, जो प्रत्याशी जीतने लायक था उसको टिकट ही नहीं दिया गया था, इसीलिए समाजवादी पार्टी हार गई, नहीं तो वो सीट पक्का जीत जाती, 100% जीत जाती। संजय पांडे तैयारी कर रहे थे, किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जिसको कम लोग जानते थे, इससे बीजेपी को फायदा हुआ। वहीं पर दोस्तों रामपुर खास यानी कि इंडिया गठबंधन को 5 में 3 सीटें मिली थी, 5 में 3। तो आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी प्रतापगढ़ में बेहद मजबूत है, लेकिन ज़रूरत है कि अच्छे नेताओं को मैदान में उतारा जाए। जो नेता चुनाव जीत कर जाएँ, कम से कम जनता के बीच में बने रहें, उनकी लोकप्रियता बनी रहे। पिछड़ों ने वोट दिया है, दलितों ने वोट दिया है, अल्पसंख्यकों ने वोट दिया है, जिन्होंने भी वोट दिया है, अगर इनके दरवाजे पर पहुंचते हैं, इनके यहाँ गुहार लगाते हैं, तो इन लोगों को सुनवाई भी करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं हम बुराई करने का भी काम करेंगे। और इस समय समाजवादी पार्टी वाकई में प्रतापगढ़ में मजबूत हो चुकी है। आपकी जो राय हो आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।